गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आलोक हाँ, जी जय हिंद सोनू कुमार जय हिंद हाँ सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जय हिंद और गुड इवनिंग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे भाई चलिए स्टार्ट किया जाए भाई हाँ पी के जी जय हिंद लेटर स्टार्ट तो हमारे किंग इंग्लिश ऐप पे एक नया अप, बैच आने वाला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की उसमें थाउजेंड क्वेश्चंस होगी तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा इसको लेके चलिए मॉक टेस्ट एड किया जाए शुरू आज का हाँ जय हिंद भाई सभी बच्चों को ध्रुव दुबे टारगेट एस एस सी सभी को तो अस स्टार्ट द फॉलोइंग गिव अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट वर्ड हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है तो इंडिया एंड पाकिस्तान जोग्राफिकली डैश कंट्रीज तो पहला है कॉन्टेजियस कॉन्टेजियस का अर्थ होता है फैलने वाला रोग फैलने वाला रोग संपर्क में आने से जो कोई बीमारी फैलती है ना उसे कॉन्टेजियस कहते हैं दूसरा है कॉन्टेजियस मतलब तो पड़ोसी होता है पड़ोसी होगा जिसे आप कह सकते हैं शेयर ए कॉमन बॉर्डर इंग्लिश में कह सकते हो शेयर शेयर कॉमन बॉर्डर मतलब जब दो देशों का बॉर्डर मतलब बॉर्डर के दोनों साइड जब दो देश हैं उनका एक ही बॉर्डर है तो उसे कहते हैं कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस मतलब निरंतर ये तो लगातार जारी रहने के लिए होता है निरंतर कंटेंशियस मतलब विवादास्पद तो भारत और पाकिस्तान तो दो पड़ोसी देश है ना भारत और पाकिस्तान दो नेबर हैं पड़ोसी देश हैं उनकी दोनों की बाउंड्री जो है कॉमन बाउंड्री है तो इसलिए आपका होना चाहिए था इसका वन का आंसर बी वन का आंसर बी हाँ सभी का सही है भाई हाँ बहुत अच्छा भाई चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हैज़ ओनली है रिडोमेंट्री आर यू डी आई एम ई एन टी ए आर वाई होता है आर यू डी आई एम ई एन टी ए आर वाई आर यू डी आई एम ई एन टी ए आर वाई रिडोमेंट्री मतलब होता है बेसिक मौलिक शुद्ध हिंदी में इसे कहेंगे मौलिक रिडोमेंट्री आर यू टी आई एम ई एन टी ए आर वाई आर यू डी आई एम ई -E एन टी ए आर वाई अब इन्होंने शायद बी और सी को दोनों के एक ही लिख दिया है भाई आर यू डी आई एम E एन यहाँ पे टी ओ आर वाई था इन्होंने प्रिंट कर दिया है वैसे तो इस बार गलती बी और सी दोनों हो रहा है क्योंकि आर यू डी आई एम ई एन यहाँ पे O था ओरिजिनल क्वेश्चन में उन्होंने तो ये गलत होना चाहिए था तो ऐसा सही कर लीजिए भाई रिड्यूमेंट्री क्योंकि एक ही स्पेलिंग सही होगा ना तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में टी ओ आर वाई था वहाँ पे मिस आ, टाइपिंग एरर हुई है तो सेकंड का आंसर भी होना चाहिए था बेसिक तो उसके पास केवल इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है उसके पास केवल इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है हाँ चलिए भाई सत्यम जी हाँ ठीक है भाई थोड़ा सा इसमें स्प्रेइंग गलत किया है उन्होंने चलिए नेक्स्ट चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ रूरल अच्छा न्यूक्लियस इसका बहुवचन बनाना है भाई देख लीजिए न्यूक्लियस का बहुवचन एन यू सी एल दो होते हैं एक तो एन यू सी एल ई आई है या फिर आप लिख सकते हैं एन यू सी एल ई -E यू एस ई -E एस न्यूक्लियसिस या तो न्यूक्ली या न्यूक्लियसिस मतलब थर्ड का आंसर आपका बी होगा क्योंकि वो एक ही ऑप्शन में तो उसके लिए आपको बी में जाना है न्यूक्लियस में तो क्या होता है केंद्र होता है केंद्र मध्य भाग न्यूक्लियस में तो केंद्र होता है आइए नेक्स्ट हाँ सबका तो थर्ड आंसर भी होगा भाई हाँ मनुराज बहुत अच्छा हाँ भाई सभी ध्रुव जी सब सही है चलिए नेक्स्ट अपेंडिक्स इसके दो सिनोनिम होते हैं अपेंडिक्स देखिए सही तो दोनों दिख रहे हैं डी आई सी एस भी होता है देखिए अपेंडिक्स मैं लिख देता हूं यहां पे जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है सिंगुलर नाउन एस एन मतलब सिंगुलर नाउन पी एन मतलब और प्रुरल नाउन तो सिंगुलर होता है अपेंडिक्स उसका प्लुरल होता है दो तरीके से दोनों लिख देता हूं पहला होता है इसका अपेंडिसेस ए डबल पी ई एन डी आई सी ई एस और अगर ये ना रहे तब जाके पहले के ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना होगा ओल्ड इंग्लिश में हो जाता है ए डबल पी ई एन डी आई एक्स ई एस मतलब सही तो दोनों दिख रहे हैं भाई सही दोनों दिख रहे हैं लेकिन ज्यादा बेहतर इंग्लिश होती है अपेंडिसेस तो इसीलिए फोर्थ का आंसर बी होगा बी नहीं रहता तो जाके आप ए पे जा सकते थे तो बी नहीं रहता हाँ तो बी अगर नहीं रहता ध्यान रखिए स्टूडेंट्स अगर बी नहीं रहता तो ए पे जाते ओल्ड इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जा सकता था लेकिन बेहतर इंग्लिश है कि अपेंडिसिस का ही प्रयोग करें जैसे इंडेक्स का इंडिसेस होता है नेक्स्ट आइए वेल बिगन इज हाफ डन मतलब है इसका अर्थ है अगर किसी कार्य के अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी है तो आधी सफलता मिल जाती है पहले ही आधी सफलता आधी सफलता पहले ही मिल जाती है थोड़ा सा क्लमजी हो गया अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है ना तो यह माना जाता है कि हमने आधा युद्ध या आधा जीत तो पहले ही हासिल कर ली है इसलिए तो श्री गणेश किया जाता है सत्यनारायण भगवान की पूजा करा लेते हैं श्री गणेशाई नमें बोल देते हैं ताकि शुरुआत अगर अच्छा हो गया तो चांसेस है कि आधा तो हम पहले ही जीत चुके हैं तो इफ समन वर्क इज स्टार्टेड प्रॉपरली हाफ सक्सेस इज नेचुरली एश्योर्ड यह है पहला ही है अगर कोई कार्य ठीक से शुरुआत होती है तो आधी सफलता तो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से जो है सुनिश्चित हो जाती है कि हम आधा पहले ही सुनिश्चित हो गया कि आधा सफलता तो मिल ही चुका है अब आगे ही बढ़ना है इसलिए फाइव का आंसर ए होना चाहिए था सोनू जी भी नहीं ए होगा भाई अमलेश जी सही है राम विजय जी सही है नेक्स्ट इडियम अ स्केप गोट का हिंदी होता है बलि का बकड़ा बलि का बकड़ा मतलब किसी ने गलती की और उसका जो है इल्जाम किसी और पर लगा करे कोई भरे कोई और उसी को कहते हैं स्केप गोट गोट है दैट हैज मतलब एक बकरी जो भाग गई है झुंड से प्रिजनर रन अवे फ्रॉम कस्टडी एक कैदी जो गिरफ्तारी से भाग गया है अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर समथिंग एक व्यक्ति जिसपे किसी चीज के लिए इंजाम लगाया जाए जो किसी और ने किया है ऑफकोर्स यही हुआ स्केप डोट मतलब स्केप गोट मतलब बली का बकरा मतलब किसी और व्यक्ति ने गलती किया और उसका इल्जाम किसी और पे लग जाए तो उसी को कहते हैं बलि का बकरा नेक्स्ट आइए भाई क्लोज टेस्ट का भी जैसा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बैच चढ़ाई है किंग इंग्लिश ऐप पे क्लोज टेस्ट का बैच बहुत जल्द ही आने वाला है चलिए नेक्स्ट चूज द राइट स्पेल्ट वर्ड ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है पी आर ओ टी ई आई एन प्रोटीन पी आर ओ टी ई आई एन ये तो दिख रहा है आपको भाई सेवेंथ नंबर का सी आंसर सही है प्रोटीन वेरी गुड बहुत अच्छा नेक्स्ट आइए एस वाई सी ओ पी एच ए एन टी साइकोफेंट होता है एस वाई सी ओ पी एच ए एन टी साइकोफेंट का अर्थ होता है चापलूस जो खुशामद करते हैं का होता है चापलूस खुशामद करने वाले व्यक्ति तो करते हैं तो ये तो पहला ही दिख रहा है एस वाई सी ओ पी एच ए एन टी मतलब चापलूस जी हजूरी करने वाले नेक्स्ट आइए चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड मैंने एंटोनी पूछ रहा है प्रेगमेटिक मतलब क्या होता प्रैक्टिकल प्रेग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल जैसे हम हिंदी में कहेंगे व्यवहारिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी स्नोनी में भाई प्लेटोनिक का भी आदर्श होता है प्लेटोनिक मतलब तो आदर्शवादी आदर्शवादी आइडियलिस्टिक मतलब भी वही होता है आदर्शवादी आप दिक्कत यह है कि व्यवहारिक का तो एंटोनिम आदर्शवादी होगा लेकिन कौन सा तो देखिए प्लेटोनिक में ना जो होता है ज्यादातर प्यार और प्यार मोहब्बत में जो हम किसी बिना किसी उम्मीद के जो हम सच्चा प्यार किया जा रहे हैं बिना कोई रिटर्न के सोचे हुए वो सब होता है प्लेटोनिक टाइप का लेकिन नॉर्मल जो प्रागमेटिक होता है ना उसका एग्जैक्ट होता है आंसर आइडियलिस्टिक आदर्शवादी जो व्यवहारिक नहीं होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं जीवन में आप आदर्शवादी बोलो या फिर आप इसे बोल दो नॉट प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल नहीं है व्यवहारिक नहीं होते हैं तो सही दोनों होता है लेकिन प्लेटोनिक में थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के सेंस में होता है जैसे किसी किसे कोई प्यार करे और बिना किसी उम्मीद के उसे हमेशा प्यार करते रहे उस सेंस में हो जाती है वो रिलेशनशिप के लिए हो जाता है तो उस सेंस को कटा दीजिए नॉर्मल प्लेग्मेटिक के लिए आइडियलिस्टिक बेहतर ऑप्शन होता है हाँ वेरी गुड भाई नेक्स्ट है अर्बेन अर्बेन का अर्थ होता है जो कल्चर्ड होते हैं अर्बेन का हाँ कल्चर्ड जिसे हम इंग्लिश में तो बोलते हैं कल्चर्ड और हिंदी में इसे बोलते हैं भद्र कुलीन अनएकेटेड मतलब तो अनपढ़ होता है ये तो अनपढ़ है तो भाई जो पढ़ा लिखा ना हो अनसिविल मतलब होता है ए, क्या कहेंगे अभद्र होता है जो बदतमीज टाइप के होते हैं असभ्य असभ्य बोलिए असभ्य जनरली रूड होते हैं बदतमीज टाइप के इंग्लिश में रूड अनकल्चर्ड तो जो कल्चर्ड के एंटोनियम दिख है तो देखिए बच्चों टेंथ का आंसर सी है लेकिन अगर सी नहीं रहता ऑप्शन में मौजूद तो अनसिविल भी हो सकता था अरबेन का एंटोनिम अनकल्चर बहुत ही अच्छी इंग्लिश है लेकिन अगर अनकल्चर्ड नहीं रहता तो अनसिविल का भी प्रयोग किया जा सकता था अच्छा अमलेश जी आशीर्वाद भाई अमलेश जी खुशी हुआ सहरसा से आप चलिए स्टार्ट किया जाए भाई अरवेन मतलब होता है भद्र कुलीन और अनकल्चर मतलब जिसमें कोई कल्चर ही नहीं है अभद्र है अनसिविल भी वही होता है लेकिन एग्जैक्ट की बात करेंगे अरबेन का तो अनकल्चर होता है ना रहे तब जाइएगा सिविल अनसिविल मॉर्निंग में जो मैच चालू हुआ सात से साढ़े आठ उसके लिए है वो थोड़ा तो सा इंफॉर्म कर दीजिएगा अपने दोस्तों को फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग अच्छा ऑड वन बताना है लर्न मतलब होता है सीखना या पढ़ना सीखना या पढ़ने के सेंस में कोच मतलब सिखाना टीच मतलब ये पढ़ाना पढ़ाना या फिर सिखाना किसी को कुछ हम सिखाते हैं लेक्चर मतलब सिखाने के लिए भी होता है लेक्चर एक तो सिखाना कर, होता है किसी को कुछ सिखा रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं या भाषण देना भी होता है भाषण देना अब देख लीजिए भाई और सब में तो हम कुछ दे रहे हैं सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं भाषण दे रहे हैं लेकिन लर्न में हम पढ़ रहे हैं खुद ही सीख रहे हैं तो इन चारों में जो ऑड है वो है लर्न क्योंकि इसमें इनकमिंग है और सब में आउटगोइंग है क्योंकि भाषण देते हैं आउट गोइंग सिखा रहे हैं आउट गोइंग कोच कर रहे हैं आउट गोइंग टीच कर रहे हैं आउट गोइंग तो तीनों बाकी जो है उसमें आउट गोइंग है और लर्न में मतलब सीखना पढ़ना वो इनकमिंग है क्योंकि जब कुछ आप सीखते हैं तो आपके अंदर आती है उसको आप जीवन में प्रयोग करते हैं इसलिए हाँ हाँ मशहूद सर जी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है हम लोग जो है अपने हमने नया ऐप लॉन्च किया है किंग इंग्लिश उस पर मैं बहुत सारे कोर्सेस लाने वाला हूँ मिसलेनियस खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत है जैसे कि बच्चों को किसी किसी बच्चे का जो क्लास कर चुके हैं उन्हें कहते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट सर थोड़ा सा कमांड नहीं आया तो उसके लिए मैं अलग बैच ला रहा हूँ क्लोज टेस्ट बहुत बच्चों का ठीक नहीं है तो हम उसके लिए भी अलग बैच ला रहे हैं सेंटेंस अरेंजमेंट वो भी ठीक नहीं है तो बहुत सारे बच्चों के लिए सेंटेंस अरेंजमेंट का भी बैच लाया जा रहा है तो धीरे धीरे करके सप्ताह दस दिन में एक ना एक चीजें स्टार्ट हो जाएंगे हाँ युवा बिहारी जी जय हिंद भाई फिर से आइए भाई आ गया ऑड वन आउट इसमें से ऑड क्या है फियर मतलब डर टेरर मतलब डर एलान मतलब डर या चौकन्ना करने के होता है डर या सचेत करने के लिए होता है पीस मतलब शांति तो डर से तीनों संबंधित है और पी से एक जो है अलग है तो इन चारों में जो है पी सी का है जो अलग है था सब लगभग एक ही जैसे फैमिली के हैं तो ट्वेल्व का डी आंसर सही है भाई सभी का बहुत अच्छा थर्डीन डिसकैलकुलिया डिस्कैलकुलिया होता है जब आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है जब हमें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है गणित के सवाल को सॉल्व करने में कैलकुलेशन करने में मैथ्स के कैलकुलेशन में जब हमें प्रॉब्लम आती है मैथ ठीक से समझ नहीं आता है मैथ के क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं जल्दी से मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं डिस क्योंकि ये देखिए इसमें कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और कैलकुलेशन मतलब मैथ में जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मैथ से संबंधित है कि यही दिख रहा है भाई मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने में असक्षमता सीखने में असक्षमता नहीं सिर्फ मैथ में जो असक्षमता होती है उसे डिस बोलते हैं यहाँ तो सीखने की बात है मैथ तो लिख नहीं रहा है अनेबल टू कैलकुलेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा लेकिन किस चीज़ में कैलकुलेट मैथ में जो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी असक्षमता जो लिख नहीं पाता है नहीं यहाँ पे मैथ्स के लिए जो मैथ में जो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आती है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं तो थर्टीन का आंसर ए होना चाहिए फोर्टीन डेक्स्ट्रेस देखिए जहां भी एमबी आएगा ना एम बी तो रूट होता है जिसका अर्थ ही होता है टू दो एमबी का अर्थ ही होता है दो तो जब भी दो की एमबी जुड़ा है तो कोई दो चीज होगी जैसे एम्बीड डेक्स्ट्रेस जो दोनों हाथ से काम कर सकते हैं एमफिबियन जो जल और थल दोनों जगह है रह सकते हैं एम्बिग्यूएस जिसके दो अर्थ निकलते हैं एमबी जहां लिखा है ना वो हमेशा दो चीजों की बात करेंगे तो एमबी डेक्स्ट्रस मतलब जो अपने दोनों हाथों से एक साथ काम कर सके या लिख पढ़ सके जैसे कि थ्री इडियट मूवी में वायरस जो था वो जो टीचर थे उस स्कूल के वो बोर्ड पे दोनों हाथ से लिखते थे वायरस जो थे तो वो क्या थे वो एमबी डेक्स्ट्रस थे तो इसलिए एबल टू यूज ओनली लेफ्ट एंड राइट एंड नहीं दोनों हाथ यूज कर सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल हाँ जब अपने दाहिने और बाएं हाथ को बराबरी अच्छे बराबर -बड़ अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसी को कहते हैं एम्बीडेक्ट्रस हाँ बहुत अच्छा अवधेश कुमार जी नाम तो मैं भूल गया हूं लेकिन चेहरा से मैं जानता हूंगा भाई चलिए बताए फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस मतलब कॉमन एय का नया टाइप है भाई ये अब चार सेंटेंस दे दिया या तीन बोला है कि इसमें से इनकरेक्ट बताइए तो सोनल सिंगुलर है तो उसके लिए सिंग ठीक है ये तो सही है कैटल प्रल होता है तो उसके लिए यार ये भी ठीक है गर्ल्स और सिंग्स लिखा है तो देखिए गर्ल्स कौन सा नाउन है भाई प्रुरल नाउन पीएल नाउन मतलब प्रुरल नाउन सिंग्स ये कौन सा वर्ब है भाई ये है सिंगुलर वर्ब ये आपका सिंगुलर भर्ब और सिंग कौन सा नाउन भर्ब हो जाएगा प्लुरल वर्ब क्यों क्योंकि जब वर्ब में एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनता है एस नहीं जुड़ता है तो वो प्लुरल बनता है तो हमें गर्ल्स के साथ प्लुरल के साथ तो प्लुरल चाहिए था तो सी में ही गलती है सिंग में ऐसा हटना चाहिए था तो फिफ्टीन का आंसर सी है क्योंकि बाकी सभी सेंटेंस सही है सोनल एक सिंगुलर है तो उसके लिए सिंक्स ठीक है कैटल मतलब जानवर होते हैं हमेशा प्रुरल नाउन होता है कैटल हमेशा ही प्रल नाउन होता है तो कैटल के लिए हमेशा भर ही आएगी तो जानवर जो है जो घास चल रहे हैं मैदान में तो फिफ्टीन का सी है सिक्सटीन इसमें वही है लेटर शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल ठीक ही है भाई एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है फिर एज ये तो सही चल रहा है एम यट टू एक्चुअली देखिए फ्रेज होती है रूल होता है बी प्लस यू प्लस वी प्लस वन तो देख लीजिए यहां पे बी की फॉर्म है ही बी की कोई भी फॉर्म यट भी ठीक है टू भी ठीक है लेकिन वर्ब के पहले ये हैव क्यों लिखा है भाई ये जबरदस्ती का लिखा हुआ है आई एम यर टू रिसीव द इन्वाइटिंग लेटर मुझे इन्वाइटिंग कार्ड मिलना अभी बाकी है आइधर दर पेरेंट्स आइधर और में बाद वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो बॉयज के लिए हार्ड तो ठीक ही चल रहा है आई वुड डायरेक्ट माई अटेंशन टू वुड के साथ फर्स्ट फ्रॉम आती ये भी ठीक है तो सिर्फ बी मतलब जो आंसर है इसका बी ऑप्शन गलत है बाकी सभी सही लिखा है बी ऑप्शन में गलत लिखा है क्योंकि वहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए था डायरेक्ट वर्क की फर्स्ट फॉर्म होने चाहिए थी हाँ ठीक है भाई सभी का सिक्सटीन का भी होगा बाकी सभी गलत है सेवेंटीन में देखिए सीधा सा लॉजिक समझिए जब बात होती है फोर टू जब बात होती है दो की तो वर्ड आता है इच अदर जब दो की बात आती है तो इच अदर आता है और जब बात होती है दो से अधिक के मोर देन टू और जब बात दो से अधिक की हो तो वर्ड आता है वन एन अदर तो दो के लिए इच अदर दो से अधिक हो गया तो वन एन अदर तो आइए इससे बन जाएगा क्वेश्चन इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन हां भाई तो दो की बात हो रही है दो बहने हैं और उनके लिए वन एन अदर यह तो गलत हो गया भाई हस्बैंड एंड वाइफ दो हैं तो उनके लिए इच अदर ठीक है फोर ब्रदर्स हैं उनके लिए इच अदर है यह भी गलत है हस्बैंड एंड वाइफ लव वन एंड अदर हस्बैंड एंड वाइफ दो हैं उनके लिए वन एंड अदर तो यह भी गलत है मतलब है कि पहला गलत है टू सिस्टर्स के लिए वन एंड अदर होता नहीं है दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ दो हैं उनके लिए इच अदर यह सही है तीसरा में चार भाई हैं उनके लिए इच अदर गलत है हस्बैंड एंड वाइफ दो हो गए तो उनके लिए वन अदर गलत है मतलब है कि बी छोड़ के सभी वाक्य गलत है क्योंकि हमें क्या चाहिए करेक्ट सेंटेंस जो सही है तो सेवनटीन में एक बी सही है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ मिलके दो हो गए और दो के लिए हम लोग लिखते हैं इच अदर आप भाई स्टडी विद अतुल जी शेयर कर दीजिए थैंक यू हाँ ठीक है भाई नेक्स्ट अब आइए इसमें देख लेते हैं करेक्ट सेंटेंस रूल होता है अगर आप मैनी लिखते हैं उसके बाद ए लिखते हैं तो उसके बाद नाउन भी होगा सिंगुलर नाउन होगा सिंगुलर और वर्ब भी होगा सिंगुलर सिंगुलर वर्ब मतलब यह निकला कि मैनी ए के बाद संज्ञा और क्रिया एक वचन में रहता है मैनी ए के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर रहता है देख लीजिए भाई मेनी है स्टूडेंट ठीक चल रहा है और कम का सेकेंड फॉर्म है चल जाएगा पाँच रिप्लेट यहाँ मेनी के बाद स्टूडेंट्स है ये तो गलत हो गया स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए तो ये गलत है अ ग्रेट मैनी मैनी के बाद स्टूडेंट कभी नहीं मैनी के बाद तो पूरा रहती है तो क्योंकि अगर मैनी के डायरेक्ट बाद अगर आपको नाउन लिखना है तो मैनी के डायरेक्ट बाद अगर नाउन आती है तो वह होता है प्रोल नाउन तो यहाँ मैनी के डायरेक्ट बाद नाउन आया और ये सिंगुलर है तो ये भी गलत है तो पहला छोड़ के बाकी सभी गलत है केम इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्रोल हो सेकंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एटीन में ए सही है बाकी सभी गलत है हाँ हाँ जी कुंदन जी इंग्लिश स्पेशल बैच नेक्स्ट है नाइनटीन करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है आपसे भाई देखिए लॉजिक है जब बात आप करते हैं नॉर्मल सेंटेंस की नॉर्मल सेंटेंस सामान्य वाक्यों में प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है टू थ्री वन मतलब पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई फर्स्ट पर्सन या सिर्फ होता है आई या फिर वी सेकेंड पर्सन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ यू सेकेंड पर्सन होता है थर्ड पर्सन क्या होते हैं भाई आई वी और यू को छोड़कर मतलब आई वी और यू को छोड़कर दुनिया में जो चीजें हैं वो सब थर्ड पर्सन है जैसे ही शी दे या फिर किसी का भी नाम कोई भी चीज का नाम एनी नेम तो रूल कहता है कि सामान्य वाक्यों में पहले सेकेंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा फिर जाके फर्स्ट पर्सन आएगा तो देख लीजिए ये तो सामान्य वाक्य है तो यहां पे ये दोनों देखिए फर्स्ट पर्सन लिखा है ये सेकेंड पर्सन और नितिन थर्ड पर्सन ये तो गलत है यहाँ पे यू दिख रहा है सेकंड पर्सन नितिन थर्ड पर्सन मी फर्स्ट पर्सन ये ठीक है यहाँ पे नितिन फर्स्ट पर्सन मी नितिन थर्ड पर्सन मी फर्स्ट पर्सन यू सेकंड पर्सन ये तो गलत है भाई तो करेक्ट सेंटेंस देख लो था नाइनटीन में बी है क्योंकि तो यह गिफ्ट तुम्हारे नितिन और मेरे लिए है तो पहले यू आएगा फिर नितिन आएगा फिर मी क्योंकि टू थ्री वन आएगा सामान्य वाक्यों में हाँ, गलत चीजों के लिए वन टू थ्री लेकिन सामान्य वाक्यों में टू थ्री वन बहुत अच्छा भाई आलोक जी चलिए नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस प्लीज वेट फॉर रमन एंड मी यहां भी तो नॉर्मल सेंटेंस है देखिए किसी भी प्रिपोर्शन के बाद कोई भी प्रिपोर्शन आ जाए किसी भी प्रिपोर्शन के बाद अगर आपको प्रोनाउन लिखना है तो वो आना चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो देखिए ये तो सब्जेक्ट फॉर्म है तो दूसरा गलत हो गया क्योंकि यहां पे प्रिपोर्शन है और प्रिपोर्शन के बाद अगर प्रोनाउन लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म जैसे मी ठीक है तो इसलिए सिर्फ पहला सही है यहां पे आई लिख दिया है ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई सब्जेक्ट फॉर्म है और हमें पता है कि किसी भी प्रिपोर्शन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है तो पहला सही है दूसरा गलत है पहला सही है दूसरा गलत है मतलब हमें इसमें पूछा है उन्होंने करेक्ट सेंटेंस तो करेक्ट सेंटेंस तो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी का ए है ट्वेंटी का ए छोड़ के बाकी सभी गलत है हाँ बहुत अच्छा भाई नेक्स्ट हाँ किंग इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा भाई उसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी धीरे धीरे चलिए पैसेज द लास्ट वन इन दिस लॉन्ग प्रोसेसन प्रोसेशन का शुद्ध हिंदी प्रदर्शन के सेंस में होता है जुलूस निकालता है जो आदमी प्रोसेसन का मैं यहीं पे हिंदी लिख देता हूँ जुलूस प्रोसेसन का अर्थ होता है जुलूस निकालना साइलेंट मैन द लास्ट वन इन दिस लॉन्ग प्रोसेसन मतलब ये जो लंबा जुलूस निकला है उसमें जो अंतिम व्यक्ति वो कि बहुत ही जो लंबा जुलूस मतलब शांत जो लोग महिला और पुरुषों का जो एक जुलूस निकला है उसमें जो लास्ट व्यक्ति है वो एक है लिटिल वाइजेंड ओल्ड मैन वाइजेंड होता है थके हुए के सेंस में आ, क्या कहेंगे रिंकल के सेंस में वाइजेंड मत होता है जो आपके जो झुर्रिया पड़ जाती है रिंकल डब्ल्यू आर आई एन के एल ई रिंकल रिंकल मतलब झुर्रिया जो बुढ़ापे की जो निशानी होती है तो ये जो लंबा प्रोसेसन था लंबा जुलूस था महिलाओं और पुरुषों का जो शांति के साथ चल रहे थे उसमें अंतिम व्यक्ति जो था उस जुलूस में चल रहा था वो था एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति इवन ही कैरीड लोड टू बास्केट और वो जो है दो बास्केट को बास्केट मतलब आ, बाल्टी कह सकते हैं बास्केट मतलब बाल्टी। वो दो बाल्टियों को लेकर चल रहा था स्लंग स्लंग मतलब होता है लटका हुआ स्लंग मतलब लटका हुआ बास्केट मतलब टोकरी लिख दीजिए यही लिख देता हूं बास्केट मतलब टोकरी और स्लंग मतलब होता है लटका हुआ लटका हुआ स्लंग ऑन पोल ऑन हिज शोल्डर मतलब दो जो है टोकरी जो है उसके मतलब जैसे नहीं होता है जो गांव साइड में देखेंगे जो एक लाठी लिया हुआ है और लाठी में कुछ सामान को लटकाया हुआ है टोकरी या बाल्टी वाल्टी जो लाठी में ऐसे लटका के गांव के जो लोग जो फिल्मों में दिखाता है चलते रहते हैं लाठी लिया है और पीछे उस लाठी में सामान लटके हुए है उसकी बात कर रहा है तो इस लंबे जुलूस में जो महिलाओं और पुरुषों का जो शांति से चल रहे थे उस जुलूस में सबसे पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके कंधे पे एक पोल मतलब डंटा जैसा था जिसमें जो है दो बास्केट टोकरी लटके हुए थे द सेम लोड ऑफ फोल्डेड क्विल्ट क्विल्ट मतलब होता है रजाई क्विल्ट मतलब रजाई क्विल्ट का हिंदी होता है रजाई कॉल्डरन कोल्ड्रन का अर्थ क्या बोलेंगे इसे कढ़ाई जिसे हिंदी में कहेंगे कोल्ड्रन हंडी हंडी नहीं होता है जो यूज करते हैं मैं यहीं नीचे लिख दिया करता हूँ जय देखिए कॉलड्रन मतलब हंडी होता है यहीं लिख देता हूँ कॉल्ड्रन मतलब होता है हंडी अरे लोहिया लोहिया जिसमें सब्जी उब्जी नहीं बनाते हैं उसे कॉल्ड्रन कहते हैं क्विल्ट मतलब होता है रजाई बट देर वॉज ओनली बट देर वॉज ओनली वन कॉल्ड्रन सिर्फ एक ही जो है हंडी थी इन दी अदर बास्केट और दूसरे मतलब टोकरी में इट सिम्ड देयर वॉज ए क्विल्ट और दूसरे टोकरी में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दूसरे टोकरी में एक रजाई था क्विल्ट मतलब रजाई एक्सट्रीमली टैग्ड टैग मतलब जो चिप्पी लग जाता है टैग्ड मतलब चिप्पी नहीं होता जैसे कि फटा चिटा है जैसे कपड़ा रहता है तो उस उसमें चिप्पी लगा दिया जाता है जो बहुत ही जो गरीब लोग जो जैसे कपड़ा फटा है तो उसमें जो है कपड़े का एक चिप्पी साड़ देते हैं या चिप्पी लगा देते हैं ताकि जो है वहां पे वो फटा हुआ ना दिखे तो टैग्ड मतलब होता है चिप्पी हाँ विजय तो जी क्लोज टेस्ट वाला बैच का ड्यूरेशन होगा दो मंथ टू मंथ होगा टाइमिंग इवनिंग में ही हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन मैं कोई भी बैच लाऊंगा तो इवनिंग में ही चलिए टैग्ड एंड पैस्ड पैस्ड टैग्ड का एक अर्थ तो मैंने बता दिया चिप्पी पैच मतलब uh, क्या कहते हैं उसे वो जो चिप्पी लगा हुआ था और मतलब जो ऐसा सटा हुआ था लेकिन बहुत ही साफ था मतलब उस बूढ़े व्यक्ति के दूसरे टुकड़ी में एक रजाई था जिसमें बहुत सारा चिप्पी लगा हुआ था लेकिन वो बहुत ही साफ सुथरा था ऑल्दो द लोड वॉज लोड मतलब भार वॉज लाइट यद्यपि भार जो है काफी हल्का था इट वॉज टू मच फॉर दी ओल्ड मैन लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के लिए वो उतना भाड़ ही बहुत ज्यादा था क्योंकि बूढ़ा आदमी है उसके लिए थोड़ा भाड़ भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इट वॉज इविडेंट इविडेंट मतलब स्पष्ट क्लियर इविडेंट का अर्थ होता है स्पष्ट यह स्पष्ट था कि दैट इज अनयूजल टाइम्स ही वुड बी बियॉन्ड द एज ऑफ वर्क लेकिन यह yes, स्पष्ट था कि अगर असामान्य समय होता तो वो जो है काम की उम्र से ज्यादा का हो चुका है स्पष्ट था कि वह बूढ़ा व्यक्ति काम करने का उम्र अब नहीं रह गया है क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया है लेकिन मजबूरी के कारण ही वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा एंड वॉज अनकस्टम्ड अनकस्टम मतलब जिसे आदत नहीं है अनकस्टम का हिंदी होगा आदत नहीं होना यही लिख देता हूं अनकस्टम आदत ना होना अने कस्टम टू सच लेबर और डिसेंट ईयर इसीलिए शायद वो बूढ़ा व्यक्ति ना उसे इतना मेहनत करने की आदत हाल फिलहाल के सालों में नहीं थी हिज ब्रेथ विशल्ड विशल मतलब क्या सिटी बजना था जब हम लोग कस के सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं थोड़ा सी आवाज आती है तो उसका ब्रेथ जो है विशल्ड मतलब उसके सांस रहने से थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही थी जब कस के आदमी हाफने लगता है ऐसे उसी को कह रहा है ब्रेथ विशल उसका सांस आवाज निकल रही थी एज ही स्टैगर्ड अलोंग स्टैगर्ड मतलब लड़खराना यह लिख देता हूं स्टैगर्ड मतलब लड़खराना लड़खड़ाना एंड ही स्ट्रेंड इज आइज स्ट्रेंड मतलब जोर डालना स्ट्रेंड मतलब जोर डालना जोर डालना और जब उसने अपने आंखों पर जोर डाला था यह देखने के लिए जो उनसे आगे थे क्योंकि कहीं वो पीछे ना छूट जाए तो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे लाठी पे मतलब टोकरी को लेकर ऐसे ऐसे चल रहा था और उसने आंखों को थोड़ा सा जोर डाल के देखा कि जो जिनके साथ मैं हूं, चल रहा हूँ वो चल रहे हैं ना कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ टू वॉच दो बिहाइंड एंड इज ओल्ड रिंकल्ड फेस रिंकल मतलब झुर्रियों वाला और उसका जो बूढ़ा झुर्रियों वाला चेहरा था As sort of gasping agony. Gasping मतलब, हाफना. Gasping मतलब हाफना ये लिख देता हूं गैसपिंग मतलब हाफना सांस लेने में जो हाफते हैं एगोनी मतलब होता है पीड़ा या दुख गैसपिंग एगोनी हु कुड गो नो मोर और उस बूढ़े व्यक्ति का जो चेहरा था ना वो बहुत ही हाफड़ा था उसमें दुख था और अचानक वो अब आगे बढ़ नहीं सकता था नो no मोर He set his burden down. उसने अपने सामान को नीचे रख दिया बहुत ही जेंटलनेस कोमलता के साथ एंड सेंक अपॉन द ग्राउंड और जमीन पे सेंक अपन मतलब मतलब जमीन पे बैठ गया था बिटवीन हिस्स बिटवीन हिज नज नहीं होता जैसे बूढ़ा व्यक्ति है मतलब जो है मतलब नीचे बैठ गया और दोनों पैर के बीच में नहीं ऐसे करके सर झुका लेते हैं जैसे कमजोर या दुबले पतले आदमी होते तो बैठते हैं और दोनों घुटनों के बीच में उनका सर ऐसे झुका रहता है तो वो बता रहा है His eyes closed, उसका जो है बंद था पेंटिंग पेंटिंग लिख दिया स्पेलिंग थोड़ा सा मिस प्रिंट है देखिए होना चाहिए था यहां पे वर्ड होना चाहिए था पी एन टी आई एन जी पेंटिंग मतलब होता है हाफना पेंटिंग डिस्परेटली बेचैनी से वो जो है डेफिनेटली मतलब बेचैनी डेफिनेटली मतलब चूंकि वह व्यक्ति भूखा था अ लिटिल ब्लोड रोज इन डार्क वो बहुत ही भूखा था इसलिए जो इतना थका था ना कि उसके चेहरे पे ऐसे लग रहा था कि इतना थका हुआ था कि लग रहा था कि हल्के हल्के धाड़ियां जो खून की धाड़ियां ऐसे दिख रही है अंडर वेंडर मतलब विक्रेता जो सामान को बेचता है सेलिंग हॉट नूडल्स नूडल वही चाउमिन विन या सेवई टाइप जो होता है उसे नूडल कहते हैं सेट इज स्टैंड नियर उसने वहां जो उसका जो सेट था मतलब अपने स्टैंड को वहीं पर रखा था एंड शाउटेड हिज ट्रेड कड़ाई ट्रेड कड़ाई मतलब होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो व्यापारी लोग बोलते बोलते नहीं है दस के चार दस के चार दस के चार तो कोई बोलता है दस के पाँच दस के पांच तो ये जो किसी मतलब ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो बोला जाता है उसी को कहते हैं ट्रेड, ट्रेड क्राई ट्रेड क्राई मतलब ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोले जाने वाले शब्द दस के दो दस के दो दस के दो ऐसे जो बाहर बोलते हैं मार्केट में एंड द लाइट फ्रॉम द स्टैंड फिल ऑन द old man's drooping फिगर Drooping मतलब झुका हुआ Drooping मतलब झुका हुआ ड्रुप मतलब झुकना झुका हुआ झुसका मतलब स्टैंड जो था ना उसका लाइट उस बुढ़े व्यक्ति पे पड़ा था मैन पासिंग स्टॉप एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था वो रुका एंड मटर मटर मतलब बुदबुदाना। मटर मतलब धीरे से बोलना मटर मतलब धीरे से बोलना मटरिंग मटर मतलब धीरे से बोलना तो एक व्यक्ति रुका और धीरे से बोला लुक एट हिम देखो इसे आई स्वेर आई कैन गिव नो मोर दिस डे मैं कसम खाता हूं कि मैं और आज पैसा नहीं दे सकता इफ आई एम टू फीड माई ओन इवन नथिंग बट नूडल क्योंकि मेरे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए ही नूडल के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है बर हेयर इज दिस ओल्ड मैन लेकिन ये रहे बूढ़े व्यक्ति यहाँ अपने खाने का पैसा नहीं है और ये रहे बुढ़े व्यक्ति बेचारा मतलब गिरा पड़ा है ही ब्रॉट आउट ऑफ हिज रैग्ड शर्ट रैग मतलब फटा हुआ पुराना मतलब पुराना और चिथरा फटा पुराना फुटा नहीं फटा होगा रेगड मतलब फटा पुराना फटा पुराना तो उसने अपने फटे पुराने मतलब शर्ट में से एक सिल्वर चांदी का सिक्का निकाला और एन आफ्टर ए मोमेंट सजिटेशन और कुछ क्षण के हिचक के बाद एंड मटरिंग और धीरे धीरे बोलते हुए ही एडेड टू हिज कॉपर पेनी और उसके पास जो कॉपर वाले पैसे थे तांबा के पैसे थे उसमें उसने जोड़ दिया मतलब वो जो व्यक्ति था वो भी गरीब ही रहा होगा इसका ये अर्थ निकलता है तो चले भाई ये सब को हटा देते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं द पासर बाय वॉज वो जो राहगीर था वो क्या था भाई क्योंकि देखिए उस राहगीर के लिए यहाँ पे दिया है रेग्ड शर्ट तो फटा पुराना कपड़ा अगर कोई पहना हुआ तो अमीर तो होगा नहीं भाई तो इसलिए वो वेरी पुअर था क्योंकि अगर ज्यादा अमीर नहीं होगा फिर भी अगर नॉर्मल आदमी है तो फटा पुराना पहनेगा नहीं फटा पुराना पहने है मतलब है कि वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा गरीब रहा होगा तो ट्वेंटी वन का भी होगा आइए नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू सॉरी द मैन एंड वुमेन इन द प्रोसेसन वर्ड साइलेंट बिकॉज उस जुलूस में जो मनु, महिला और पुरुष थे वो बहुत ही साइलेंट थे शांत थे क्यों भाई शांत इसलिए थे क्योंकि सभी अपने अपने भारी सामान को लेकर चल रहे थे तो जब आप भारी सामान को उठाएंगे ना तो उस समय आपका इतना ज़्यादा दम फूलने लगता है कि आप कोई बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं तो इसलिए उस उस जुलूस में जो मनु महिला और पुरुष थे वो इसीलिए शांत थे क्योंकि उनका भार जो है सामान का बहुत ज़्यादा था और उतना भारी सामान को उठा के चलने के बाद आदमी बोल नहीं पाएगा तो, तो देर कैर मच लोड्स होगा भाई ट्वेंटी वन का आंसर ए है दे वर बिजी वॉकिंग चलने में व्यस्त थे उसे कोई लेना देना नहीं है दे वर फ्राइटे डरे हुए थे कोई लेना देना नहीं है दे वर टायर्ड बहुत थके हुए थे थके थके हुए उससे मतलब नहीं है थके भी है, फिर भी हम बोल सकते हैं लेकिन जब बहुत ज्यादा सामान रहेगा ना तो सांस इतना आपका फूलेगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे तो शांत रहेंगे तो ट्वेंटी टू का आंसर ए होगा बहुत अच्छा भाई सभी का हाँ रेफ जी बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा राम विजय जी ये बच्चों के क्लास में था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा द पासर आउट वो जो पासर बाई मतलब क्या राहगीर जो रास्ते से गुजरने वाला लोग होता है ना उसे कहते हैं। तो ने क्या निकाला था गोल्ड क्वाइन कॉपर क्वाइन सिल्वर क्वाइन तो क्या निकाला था भाई उसने एक चांदी का सिक्का निकाला था ना क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है Is तो उस रागीर ने अपने पॉकेट में से एक चांदी का सिक्का निकाला था तो 23 का आंसर सी होगा बहुत अच्छा भाई नेक्स्ट फाइंड द मिसमैच मैच और नॉट यूज टू ठीक है भाई आदत ना होना इन दोनों का हिंदी तो एक ही होता है ये तो सही चल रहा है दोनों का हिंदी यही है। आदत ना आदत न होना ये तो सही चल रहा है एगोनी मत पीड़ा दुख हंगड़ी मत भूखा यह तो अलग हो गया भाई डेस्परेटली बेचैनी विद ग्रेट एजेंसी यह भी है बेचैनी यह तो सही दिख रहा है भाई ड्रूप झुका हुआ झुका हुआ बेंड और मूव डाउनवर्ड इसका भी अर्थ वही हो रहा है झुका हुआ झुका हुआ तो मिसमैच तो सिर्फ और सिर्फ बी है भाई क्योंकि अगोनी एगोनी मतलब दुख या पीड़ा होता है और हंगरी मतलब भूखा होता है तो इसका कोई मैच नहीं है दोनों अलग अलग चीजें हैं तो 24 का बी लास्ट क्वेश्चन 25, फाइव श्रंकन फेस श्रंकन मतलब होता है छोटा श्रंकन मतलब होता है छोटा छोटा चेहरा तो मतलब तो खाली होता है रिंकल मतलब झुर्रिया रेड पैच मतलब लाल रंग के जो धब्बे होते हैं गाल पे तो फेस मतलब छोटा जो चेहरा हो जाता है तो इसका आंसर 25 का बी होगा स्मॉलर फेस तो छोटा होना चाहिए तो 25 का बी है तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स अब अगला मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नाइन मंडे को होगा तब तक के लिए जय हिंद अपना ध्यान रखिए और बाकी सभी जो अभी तक मॉक टेस्ट हो चुका है उसका अच्छे से रिविजन कर लिया कीजिए तो मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए जय हिंद